बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आमना एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 5.34। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन द प्राइसेस ऑफ फोर कमोडिटीज अलॉन्ग विद द क्वांटिटी सोल्ड फॉर द ईयर 1980 एंड 1981, कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 1981 विद 1980 एज बेस बाय फिशर आइडियल फार्मूला। तो एक ही हमें बस फार्मूला यूज़ करना है, वो भी फिशर का, जिसमें हमारे पास दोनों आ जाते हैं, लेस पेयर और पार्शियल, जैसे कि मैंने इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी समझाया था। सो चलें फिर इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी। सो ये हमारे पास देखने क्वेश्चन का, ये हमारे पास कैसे गिवन है। एयर हमारे पास देखें इस तरह अलग है, यानी कि एक ईयर में हमारे पास एक प्राइस है और एक क्वान्टिटी है। इसी तरह एक ईयर में हमारे पास करंट ईयर में यानी कि प्राइस है, क्वान्टिटी है। तो ये ऑलरेडी सेट है, तो इसे हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके आगे बस क्या करना है आपने, उसकी वो जो कैलकुलेशन होती है, हेडिंग जो डालते हैं हम पी और क्यू, इसी तरह पी और क्यू बेस ईयर और उसका जो हमारे पास करंट ईयर को मिलाकर, जैसे मैंने बताया था आपको कोड नंबर बताया था, उसकी मदद से हम डालेंगे वो चार हेडिंग। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे उस हेडिंग के अकॉर्डिंग, और फिर बस उसका टोटल लेंगे, और फिर फिशर का हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट। तो आप यहाँ से इसकी कैलकुलेशन नोट डाउन कर लें। तो ये हमारे पास वही क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है, तो ये बिल्कुल सारी हेडिंग्स वैसी आई हैं क्वेश्चन की, बस आप ये वाली हेडिंग ज़रूर डाला करें। अगर ये नहीं भी डालनी, लेकिन तो ये ज़रूर डालना, क्योंकि ये शो करता है ये हमारे पास प्राइस है, बेस ईयर की प्राइस है, और ये क्वान्टिटी है तो ये बेस ईयर की क्वान्टिटी है। इसी तरह ये प्राइस है तो करंट ईयर की है, तो क्वान्टिटी है तो करंट ईयर की क्वान्टिटी है। अब बस आपने फिर ये वाली हेडिंग्स डालनी होती है, उसके बाद इसको देखकर और इसको देखकर फिर आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इस तरह इसके सबकी ये आ जाएंगे ये सारी वैल्यूज़, और फिर इसका आपने टोटल लेना है, ठीक है। और ये सब एक साथ बनेगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने नेक्स्ट पेज पे इसका टोटल लिखा है, लेकिन ये सब आपने एक साथ बनाना है और उसका एक साथ टोटल लेना है। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम में आपने सब एक साथ लिखना है इसको, राइट। तो ये है इसका टोटल, आई होप आपको यहाँ क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास देख लें 1425 है, ये 1354 है, और ये 1151, और ये हमारे पास 1127। ये इन चारों का टोटल है जो कि अभी हमें यूज़ करना है, जो भी फिशर का हमने फार्मूला लगाएंगे फिशर का, उसके अंदर हमारे पास पार्शियल्स और लेस पेयर दोनों ही आ जाते। तो ये उन सब के लिए ये फार्मूला, ये सारी हेडिंग्स, इसका टोटल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको आपने सही से इसका टोटल लेना है, एक नंबर भी आगे पीछे नहीं करना, अच्छे से इसको आप देख लें, यही आपके पास आंसर आना चाहिए, फिर आपका आंसर बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग आएगा। सो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है फिशर का, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो ये हमारे पास लेस पेयर और ये पार्शियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दो आ जाता है, इसलिए इसमें रूट लग जाते हैं, और बस ये एफ़ से हम इसको फिशर को शो करते हैं, जैसे कि लेस पेयर को एल से और पार्शियल्स को पी से शो करते थे। और ये मल्टीप्लाई 100 का साइन देखें बाहर आएगा, रूट के अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर होगा, राइट। अब बस इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ लिखते जाएंगे, तो जैसे हम लेस पेयर में करते थे वैसी वैल्यू लिखेंगे। तो सबका टोटल लेना है, डिवाइड कर देंगे इसको, ये हमारे पास है 1425 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास पार्शियल्स की जैसे हम वैल्यू लेते थे, लास्ट वाली लिखेंगे सबसे पहले, जो हमने निकाली थी वो फोर वैल्यूज़ टोटल, उसका लास्ट वाला और इसके नीचे सेकंड लास्ट वाली वैल्यू लिखते थे। ये मल्टीप्लाई का साइन ज़रूर आएगा और फिर ये रूट भी ज़रूर लगेगा। और अब आप देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, और ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये रूट है। तो ये रूट जब तक ओपन नहीं हो सकता जब तक हमारे पास अंदर एक वैल्यू ना रह जाए। अभी देखें तो हमारे पास फोर वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे अंदर हमारे पास दो हैं कि मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। और इसी तरह से जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, अगर आप अपना पूरा आंसर लाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि यहाँ से जो आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो जब डिवाइड करें तो उसका जो जितना आंसर आए उसको ही उस आंसर से मल्टीप्लाई करें, वरना फिर आपका आंसर ऐसा छोटा आ सकता है, जैसे कि पॉइंट से पहले पहले कवर हो जाएगा, फिर आपका आंसर पॉइंट के बाद नहीं आ सकेगा कैलकुलेटर में। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बुक जैसा आंसर आए कि पॉइंट के बाद भी आपके पास वैल्यू आए, तो आप फिर ज़रा थोड़ी सी वैल्यू से ज़्यादा मल्टीप्लाई करें। जैसे कि अगर मैं इसको अभी डिवाइड करती हूँ तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है कुछ इतना, 0.95 है, ठीक है। अगर आपने डिवाइड करना है ना, आप जैसे अगर आपने ये डिवाइड किया और ये डिवाइड किया, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ज़रा 0.175 तक कर लें, ज़रूरी नहीं है कि पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें,
ठीक है, तो इतनी जैसे लिखी है इसके आगे अगर दो वैल्यू और लिखना चाहते हो उतना भी लिख लें, मतलब थोड़ी ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लास्ट में जो आंसर आएगा ना वो पॉइंट के बाद थोड़ा सा मतलब आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है, पॉइंट के बाद भी वैल्यू आ सकती है। सिर्फ इतनी वैल्यू से जितनी मैं लिख रही हूँ उतनी वैल्यू से करेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था आंसर उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है, चेंज नहीं होगा मतलब वो पॉइंट के बाद आपके पास नहीं कोई वैल्यू होगी, पॉइंट से पहले पहले वो आपको कैलकुलेटर में ना वैल्यू दिखाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, पहले डिवाइड करना है, ठीक है, ये डिवाइड मैंने किया, अब इसको भी डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास देखें इतनी आ रही है 0.97 है, तो मैं बस पॉइंट के बाद दो वैल्यू ले रही हूँ। इसके बाद अब मल्टीप्लाई है और ये रूट है, और आप याद रहे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू से करें, ठीक है। तो मैं तो पूरी वैल्यू से करूँगी क्या कि मेरे पास आंसर लास्ट में पूरा आए, क्या कि मैं आपको दिखा सकूँ इतना ही आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि जितनी वैल्यू लिखी है उसके आगे थोड़ी और वैल्यू लिख लें, यानी कि चार वैल्यू कम से कम ले लें, ठीक है। या लिखना चाहते हो तो इतनी ही लिखें, सिर्फ दो से तीन वैल्यू, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो आप खुद ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ये पूरी पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ से लिखेंगे 0.93, तो मैं सिर्फ दो वैल्यू लिख रही हूँ, आप चाहें तो तीन से चार भी लिख सकते हैं, चाहें तो एक भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास एक वैल्यू रह गई है, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू है, और ये मल्टीप्लाई का साइन ज़रूर लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास यहाँ पर ये रूट है, तो सबसे पहले रूट ओपन करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ से हमने ये वाला मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपने प्रेस करना है और ये हमारे पास ऐसे इसके आंसर आ जाता है, ये इसका क्या हो गया, रूट ओपन हो गया। तो ये भी काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो आपने सिर्फ दो से तीन वैल्यू लेनी है या एक भी ले सकते हैं। तो ये 0.96 मैं दो वैल्यू ले लेती हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू आपके सामने, तो आपने सिंपल बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो ये है हमारे पास इसका आंसर आ जाता है जो कि आपके बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग है, ये है हमारे पास 96.45, चाहें तो 56 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप थोड़ी ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह पॉइंट के बाद भी पूरी पूरी देखें वैल्यू आएगी। मैंने तो पूरी पूरी वैल्यू से किया है, तो देखें मेरे पास पूरी पूरी वैल्यू आ रही है। आप चाहें तो पॉइंट के बाद से दो से तीन ज़्यादा मतलब चार पाँच वैल्यू भी लेके मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे ये है 0.95 के आगे जितने भी नंबर हो, तो जैसे हमारे पास इसके आगे नंबर है 0175438, काफ़ी ज़्यादा लंबे नंबर्स हैं, तो आप चाहें तो सिर्फ 0.950175 भी ले सकते हैं, इतने नंबर भी ले सकते हैं, चाहें तो लिख भी लें, लेकिन क्या होगा वो आंसर आपका ज़्यादा लंबा लंबा हो जाएगा। रफ़ में लिख लें, ऐसे कर लें, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 995 लिख लें, जो मतलब दो से तीन वैल्यू लिख लें, लेकिन जब आप कैलकुलेट करने लगे तो आपने बस यह इस वाले स्टेप में ज़रा देखना होगा अच्छे से, फिर बाकी तो बहुत आसान है। फिर कैलकुलेटर में जो वैल्यू आएगी उससे बस हमने रूट निकालना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसके बाद आपने यहाँ पर बस लिख देना है दो वैल्यू या एक वैल्यू या तीन वैल्यू, फिर क्या करना है, फिर बस मल्टीप्लाई करना है, वो तो कैलकुलेटर में होगा, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा काम, ठीक है। फिर आपके पास पॉइंट के बाद से भी वैल्यू आएगी जैसे आपके पास बुक में आंसर्स हैं सारे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर जो मैंने समझाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।